प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पाकिस्तान रु निमंत्रण आसंता अक्टोबर मासरे प्रधानमंत्री मोदी को पाकिस्तान जीवा पाई इस्लामाबाद पठाई निमंत्रण तेबे निमंत्रण काहीं आ निमंत्रण मिलवा पर भारत आभिमुख्य कौन रही कौन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पाकिस्तान जीवे कि निमंत्रण पाइबा परवर्त समय पाकिस्तान घटना को लेकिन किपर चर्चा चलती ये समस्त संपर्क में आलोचना करवा तेज जमी कहती मोदी को पाकिस्तान रु निमंत्रण मिली और निमंत्रण इस्लामाबाद आसी तेज कहीं निमंत्रण आ आसंता अक्टोबर मासरे पाकिस्तान एसीओ सम्मेलन अध्यक्षता करने को जाऊँ आई एसीओ सम्मेलन में सामिल होगापी जोग देवाई प्रधानमंत्री मोदी को निमंत्रण पठाई पाकिस्तान पाकिस्तान प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ तेरे एसीओ सम्मेलन कौन यार गुरुत्व कौन एटी को कौ मैंने जाती या पाकिस्तान कहीं आयोजन करुच्ची से विषय टी हाल जाना एसीओ अर्थात संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन ये एमती एक गोटे कहीपरिया मल्टीलैटरल फोरम अर्थात गोटे अंतर्जातीय स्तर ये गोटे हूँ संस्था जहाँ ऑर्गेनाइजेशन जहाँ कि चीन आउ रशिया द्वारा प्रथम या आरंभ कर 2001 मसीह चीन आउ रशिया ये दुज मिसिकी प्रथम या आरंभ करते लक्ष्य कौन थी या आरंभ करार ना जो यूरेशियन अंचल रही एशिया आउ जो यूरेशियन अंचल रही अंचल अर्थनैतिक राजनैतिक एवं आंतर्जातिक स्तर में जो सुरक्षा रही अंतर्जातीय सुरक्षा से सब विषय को किपर आहुरी आगक नहीं हेब से विषय अधिक चर्चा करहब ए समस्त देश गुड़िकर किपर अर्थनैतिक अभिवृद्धि को नजर रखिक काम करहब ये समस्त विषय को लेकिन चीन आउ रशिया प्रथम ये जिनस को आरंभ करते कथबार्ता आरंभ करते आउ 2001 मसीह एसीओ स्थापना आई है परवर्त समय ये दुई देश चिंता कले जो पड़ोसी जो देश गुड़िक अच्छा से सामिल करेंगे आउ धीरे धीरे ये संस्था को आहुरी बढ़ाइबे और ये संस्था को आहुरी गुरुत्वपूर्ण कराइबे जो कि परवर्त समय रशिया और चाइना पर अलग देश गुड़िक धीरे धीरे सामिल होगा गले आउ 2017 मसीह भारत आउ पाकिस्तान दुईज जाक एक सहित ये एसीओ सम्मेलन सदवा ये एसीओ सदस्य रही है तेरे बर्तमान जदि मुझे कहि ये एसीओ सदस्य देशर संख्या केत सदस्य बर्तमान एसीओ अच्छा ते बर्तमान 9 जन अच्छा जो सम्मेलन पाकिस्तान कर 2024 मसीहार से आउ एक देश मध्य सामिल होगा 2024 ए एसीओ सम्मेलन सदस्य संख्या 10 को वृद्धि पाइब ते बर्तमान जानव जो कौ देश गुड़िक अच्छा जमीक मुझे जो फाउंडिंग मेम्बर अर्थात जो मैंने आरंभ करते रशिया और चाइना से दुईज परवर्त समय कजाकिस्तान उज्बेकिस्तान किर्गिस्तान ताजिकिस्तान पाकिस्तान इंडिया एम अच्छा गत वर्ष एसीओ रे ईरान नो मध्य एंट्री होता अर्थात ईरान को मध्य सदस्यता पद मिली आउ ये जो गत वर्ष कथा मुझे गत वर्ष भारत रे ए एसीओ सम्मेलन आयोजन होता आउ ए भारत एक कूटनैतिक चाल कर से चाली कौन ताको जानवा कि आउ जो कहती ये तो गला 9 देश जो मैं बर्तमान सुधा अच्छा आउ आगामी दिन में अर्थात जो अक्टोबर मस आसू से अक्टोबर मसने बेलारूस एसीओ एक सदस्य देश भाव आसब कहीं ये रशिया या सामिल करने आग्रह प्रकाश कर रशिया रेकमेंडेशन आउ बेलारूस हूँ रशिया और यूक्रेन को लगे कि पड़ोसी राष्ट्र सीए आगामी दिन में एसीओ सदस्य कंट्री हम सदस्य देश हे परवर्त समय एसीओ आउ बड़ हो 10 जनिया सदस्य विशिष्ट सम्मेलन हो संस्था गोटे हो ते बर्तमान जानवा जो गत वर्ष जो कथा मुझे कहती ए वर्ष पाकिस्तान आयोजन करुच्छ पूर्व वर्ष भारत आयोजन करता कि भारत एक कूटनैतिक चाल कर कौन ना जितेबाला भारत को जेहेतु सबू सदस्य कंट्री जो मैंने अच्छा देश समस्त राष्ट्र मुख्य मैंने आसिक सम्मेलन में सामिल हमें से भारत कौन कर चीन रु जिनपिंग आसवे रशिया पुटिन आसवे पाकिस्तान को मत निमंत्रण देवाई पड़ता था शहबाज शरीफ को आउ ये सबू देखिकी कहीं चीन सहित तो भारत संपर्क भल ना ये द्वितीय पुटिन जो रशिया युक्रेन युद्ध चली पुटिन जदि कौन बाहर देश को जब विरुद्ध में गोटे जो क्रिमिनाल ईर अच्छी जो आरेस्ट करने ना अरेस्ट वारेंट अच्छी किंतु भारत से भारत से जिनस हो पार ना बोली मोदी सफा करने पुटिन आसपा को इच्छा प्रकाश कर नाते कहीं से कौन देश को गस्त करू ना तो से पुटिन आसवाक मना करते द्वितीय जिनपिंग को डाकिया संभव हो ना कहना गोटे जगार रही जो गलवान कथ आम देखी 2020 मसीह परवर्त समय चीन को लेकिन जो सीमा को चीन जमी बलिया नौ से सब को देखिक जिनपिंग भारत को आसवा संभवपर लगुन और तृतीय पाकिस्तान को निमंत्रण पठाक पड़ता अर्थात पाकिस्तान जो शहबाज शरीफ जो प्रधानमंत्री निमंत्रण करने को पड़ता तेनाली कूटनैतिक चाल आम कहीपर भारत जी कि भारत यह
भर्चुआल माध्यम अर्थात वीडियो कॉन्फ्रेंस माध्यम ही ए बैठक को आयोजन करथिला जोडा कि तांकर हेड्स ऑफ गवर्नमेंट अर्थात जो सरकार जो माने मुख्य अछन तांकु नेके जो बैठक होइथाय ताकु से भर्चुअल माध्यम करथिला आउ जोटा कोन वैदेशिक अर्थात जो वैदेशिक मंत्री मान्य स्तर माने जो वैदेशिक मंत्री जो 10 टा देशर अछन तांकु नेके जो बैठक होइथाय ताकु से भारत रे ही आयोजन करथिला आ जेंति कि मु कहुतली जो भर्चुअल आयोजन रे प्रधानमंत्री मोदी शहबाज शरीफ को निमंत्रण करथिले आ शहबाज शरीफ निमंत्रण रक्षा करके वीडियो कॉन्फ्रेंस माध्यम रे मध्य ए सम्मेलन रे जोग देथिले ये होची गत वर्षर फोटो जे प्रधानमंत्री मोदी आ शहबाज शरीफ गोटिए ही स्क्रीन ने अछंती एवं सेही समय रे प्रधानमंत्री मोदी मध्य खोला खोली भाबे टेररिज्म अथवा आतंकवाद को सहय करा जीवो नाही बोली मध्य खोला खोली भाबे समस्त को आगर एपर कि पाकिस्तान रो मुख्य प्रधानमंत्री को सामना रे मध्य एकता को कहिथिले आ ए गस्त पर पूर्व जेंति कहुतली जे जो मंत्री स्तर जो बैठक थिला ताहा गोवा रे आयोजन होइथिला आ सेथिरे पाकिस्तान रो तत्कालीन जे थिले वैदेशिक व्यापार मंत्री के ना बिलावल भुट्टो सी गोवा आसिले आ गोवा आसिबा पर तांकु जो पर भाव रे जयशंकर तांकु माने कोन कहि परबा तांकु ग्रहण करथिले कहि परबा जे समस्त को से हैंडशेक करके रिसीव करथिले किंतु यांकु नमस्कार माध्यम रे करथिले आ जोथि बेकि पाकिस्तान मध्ये अभिजोग करथिला जे तांकु अणदेखा करा जाइछि कंट्रोवर्सी मध्ये गोटे हेतिला जे भारत जो बळे भाव रे स्वागत करिया कथा से बळे भाव रे पाकिस्तान को स्वागत करि नाही बोली किंतु ए सब भितरे ए चर्चा चलथिला बिलावल भट्ट भारत को आसते कि भारत कूटनैतिक चाल करके भर्चुआल माध्यम ही करता कि चलित थर पाकिस्तान निजे यहाँ आयोजन करुच्ची आ बर्तमान देखा कथा जो द्वितीय प्रश्न जो प्रधानमंत्री मोदी ए बैठक पर पाकिस्तान जब कि ना कहीं आम लगातार भाव खबर पाचे कि भाव जम्मू काश्मीर में सीमार आतंकी कार्यकलाप दिनक दिन बढ़ी बढ़ी चली आतंकी आतंकी कार्यकलाप बढ़ुची आउ जो 370 जो धारा को लेकिन पाकिस्तान जो स्टाण रही ये सब भितर भारत प्रधानमंत्री पाकिस्तान जीबा केते दूर पर्यंत संभव लागुछ से नेकि जानिबा ए निमंत्रण आसीबा परे गोटे कार्यक्रम रे जोग देथिले वैदेशिक व्यापार मंत्री जयशंकर आ सेठी से गोटे स्टेटमेंट देथिले एवं कहिथिले जे पाकिस्तान सह आलोचना करिवार समय शेष होईछि से गोटे स्टेटमेंट देथिले जहा कि सबु मीडिया बाखाबाकी कवर करथिले हमरो नेशनल कोंतु इंटरनेशनल मीडिया मते लाइन टिकु छापीथिले जे द एरा ऑफ अनइंटरप्टेड डायलॉग्स विथ पाकिस्तान इज ओवर अर्थात वर्तमान पाकिस्तान सहित आलोचना करिवार समय सरी जाइछि एनी एक्शन हाज कन्सिक्वेन्सेस अर्थात किसी भी यदि पाकिस्तान एक्शन कर तार फल मिल ये जो कड़ा शब्द जो ये जो कड़ा बाणी जो जयशंकर जो कहते जदि से निमंत्रण कथा को लेकिन सीधा सड़क किसी कही ना कि परोक्षर ये जो स्टेटमेंट ये जो आभिमुख्य जमापड़ी भारत जे प्रधानमंत्री मोदी हुए तो पाकिस्तान को जा न पारती आ मोदी बदल में हूं तो गोटे उच्चस्तरीय उच्चस्तरीय गोटे प्रतिनिधि बैठक प्रतिनिधि स्तरीय मानते गोटे डेलीगेशन टीम जापारती जहाँ को निजे लीड कर पारती जयशंकर से जापारती कि प्रधानमंत्री मोदी वीडियो लिंक माध्यम रे जोड़ी है कि से काम मैं बैठक में सामिल हो पारती किंबा जमी मुझे कहती गोटे डेलीगेशन गोटे हाई लेवल ला उच्चस्तरीय गोटे प्रतिनिधि स्तरीय गोटे हूँ टीम जापे पाकिस्तान को आई जितेबाला आमर जो वैदेशिक मंत्रालय जी मुखपात्र अच्छे जो प्रश्न पचाराई है सी कहते आम को निमंत्रण मिली अर्थात पाकिस्तान जो निमंत्रण पठाई प्रधानमंत्री से निमंत्रण आम पाइछू कि परवर्त समय आम जनइबू जे किए जी प्रधानमंत्री जिबे ना जिबे आउ जदि प्रधानमंत्री न जाती तेज किए जी कौपर भाव में ये बैठक में सामिल हो पारे जोग हो पारे से नहीं कि परवर्त समय सूचना देव कि कहती जो परोक्षर जो इंडिकेसन टी मिलू भारत आभिमुख्य जहाँ लगुच प्रधानमंत्री मोदी हुए तो जा नपारती ये तो आगे देखा जे कौन हो पारे कहीं मात्र मस रही कथ क्या अक्टोबर 15-16 कह जाए से समय सम्मेलन आयोजन हो चित्र स्पष्ट हो किसी दिन भितर जो प्रधानमंत्री मोदी जिबे कि ना तेज आउ गोटे इंटरेस्टिंग कथ केवल मोदी नुह अन्य जो माने राष्ट्र नेता माने अछंती अर्थात जदि मु कहबी रशिया रो जी राष्ट्रपति पुटिन सीए मध्य जाई न पारती काहेकि ना जदिओ पाकिस्तान सहित तो पुटिन कर भलो किंतु तथापि जदि पुटिन पाकिस्तान को जाउछंती तबे अमेरिका निश्चित भाव पाकिस्तान उपरे नाराज हबो जे किपरि भाव रे पुटिन को से स्वागत करुछंती किपरि भाव रे पाकिस्तान ने पुटिन कर भव्य स्वागत करुछंती तो ए जिनस रे पाकिस्तान ए जिनस रे अमेरिका मध्य नाराज हे पारे अर्थात से मध्य पाकिस्तान उपरे आक्रोश देखाई पारे जति बेकि पुटिन मध्य नजीबार संभावना रही है कहीं पुटिन अनेक सारा जो रोचे जो मीटिंग गुड़िक अनेक सारा जो मल्टीनेशनल किंवा जो मल्टी जो इंटरनेशनल लेवल जो सब बैठक रोचे से गुड़िक पाखापाखि से स्किप कर लगुच पुटिन ए एशिया सम्मेलन पाकिस्तान को न जापारती आउ गोटे जमी कहते जो ईरान जी गत वर्ष ए सम्मेलन में ये जो एशियार जो सदस्य होती सीए जा नपे कहीं ईरान में बर्तमान तत्तापलट होती नुआ सरकार बर्तमान शासन को इब्राहिम रईसी मृत्यु पर आर जी बर्तमान होती प्रेसीडेट अच्छा मासूद पेजेस्कियान ये मासूद पेजेस्कियान
ये मध्य पाकिस्तान को जाई न पारंती केना में निकट रे गोटे खबर हमें देखी थिलु कि बारे बारे पाकिस्तान और ईरान नो संपर्क वर्तमान मध्य तिक्तता आसी कहीं ना जो सिस्तान बलूचिस्तान प्रोविंस रे कि बारे बारे दुई देश वर्तमान भिड़ी जाई थिले से कथा को नहीं कि और परवर्ती समय रे वर्तमान ईरान और पाकिस्तान संपर्क मध्य एतटा भलो नहीं और द्वितीय रे वर्तमान ईरान ने मध्य नुआ सरकार आसछंती काना जे तो इब्राहिम रईसी को मृत्यु पर तांको जो मृत्यु पर नुआ सरकार को अणा जाई छ और ये मध्य पाकिस्तान को जिबे कि नहीं से मध्य गोटे क्वेश्चन मार्क कहीं ना ये मध्य न जाई पारंती और वर्तमान जो रहिले चीन आउ जो बाकी जो सदस्य देश से कथा को वर्तमान सुधा सूचना मिली ना किंतु आशा कर प्रधानमंत्री मोदी भारत पुटिन रशिया तृतीय ईरान एम जाई न पारती अर्थात जदि एम न जाऊँगी और जिनपिंग कौन कारणवशत आसी न पार्टी ते पाकिस्तान ये एशिय सम्मिलनी आयोजन निश्चित भाव गोटे बैक सेट को नब कहीं जितेबाला मंत्री जो राष्ट्र मुख्य मान को लेकिन ये सम्मिलनी आयोजन करूँ राष्ट्र मुख्य मैंने ही न आसिकी वीडियो लिंक मध्यम आसवे जोड़ी हे तो ये निश्चित भाव गोटे पाकिस्तान गोटे सेटबैक टाइप रो कहीं ये जिनस को हटेपी भारत कूटनैतिक चाल चल जो कि सीए भर्चुआल मध्यम ये सम्मिलनी को आयोजन कर भारत जहाँ कि प्रधानमंत्री मोदी देखा कि भाव में वीडियो कॉल माध्यम रे ही बा वीडियो कॉन्फ्रेंस माध्यम रे ही समस्ते सबू नेता बा सबू राष्ट्र नेता माने शामिल हेतिले आ वर्तमान पाकिस्तान निजे या को आयोजन करूछि भारत को निमंत्रण पठाई सबू सदस्य देश को मध्य निमंत्रण पठाई तेज देखिबार बाकी रहिला जे अक्टोबर मास जो दिन पाकिस्तान या को आयोजन करने को जाऊँ आशा करूछि जे एही सम्मिलनी तार जो अध्यक्षता रे हबो सी संपूर्ण भाव भल हे माने फ्रुटफुल हम कि देखा बाकी रहा क्यों राष्ट्र नेता जाऊँगी जदि कहीं न जाऊँ तेज भारत ता पाकिस्तान के बड़ सेटबैक हम तेज आपने कि कौन भावुंजे भारत बा प्रधानमंत्री मोदी पाकिस्तान को यही सम्मिलनी जावा उचित कि ना तेज आप राय कमेंट बक्स में देपारे।